पाकिस्तान भी विचार करता है, विचार भी छोटे मोटे नहीं, हवाई विचार जिनमें पंख नहीं होते, यानी हवा में उड़ान से पहले ही धड़ाम से तलवों में। मदरसा छाप मुल्क है, इससे ज्यादा सोचने की काबिलियत है भी नहीं। पाकिस्तान ने 26 फरवरी को अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद करके उस हवाई विचार पर सवार होने की कोशिश की थी, जिसमें उसे लगता था कि इससे एयर इंडिया को पसीने आ जाएंगे। एयर इंडिया का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर उल्टे पाकिस्तान के ईद के जोड़े मफलर में बदल गए। दरअसल भारत द्वारा भी पाकिस्तान के लिए अपना एयरो स्पेस बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कोई उड़ान नई दिल्ली, कुआलालंपुर और बैंकॉक के लिए पूरी तरह बंद पड़ी है। पाकिस्तान इंटर एयरलाइंस यानी PIA कुआलालंपुर के लिए 4 उड़ानें, 2 बैंकॉक के लिए और 2 नई दिल्ली के लिए संचालित करता था, जो अब पूर्णतया बंद है। इन उड़ानों के बंद हो जाने से PIA अब तक अरबों रुपए का नुकसान उठा चुकी है। हालांकि नुकसान एयर इंडिया को भी हुआ है, मगर भारत में उसे सहने की अक्षमता है। लेकिन पाकिस्तान पर पड़ी है मार घाटे वाले पाकिस्तान को और चोट पहुंचा रही है। पर यह बड़ी खबर नहीं है, बड़ी खबर तो पाकिस्तान के उन तहमदों से निकल कर आई है जो छलनीदार होकर इस्लामाबाद की मस्जिदों के सामने फैले हुए हैं। इमरान खान ने नया पाकिस्तान को हवा में ले जाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हज, गैस, तेल और बिजली पर मिल रही पाकिस्तानी सब्सिडी की सीढ़ी का ऊपरी डंडा छोड़कर बाकी सभी डंडे पाकिस्तानियों के हाथ में पकड़ा दिए हैं। अब इन डंडों से पाकिस्तानी सूखे घाटों पर बैठकर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त जिस चीज पर सब्सिडी मिल रही है वह है चीनी। चीन वाले चीनी नहीं बल्कि शुगर। मतलब पाकिस्तान में इन दिनों चीनी का ही बोलबाला है, वह खाने वाली चीनी हो या पाकिस्तान की बेटी को दुल्हन बनाकर ले जाने वाले चीनी। वैसे यह जानना भी जरूरी है कि इमरान खान को चीनी से इतना लगाव क्यों है। दरअसल जहांगीर तरीन, चौधरी सुजात और परवेज इलाही इमरान जनाब के खासम खास लोगों में आते हैं। तहरीके इंसाफ को सर्वाधिक चंदा देने वालों में भी यही अग्रणी है। यह तीनों पाकिस्तानी इस मुल्क के शुगर किंग माने जाते हैं। इनकी चीनी मिले और चीनी की सप्लाई चैन पूरे पाकिस्तान के अलावा विदेशों तक फैली हुई है। खुद को तब्दीला खान का फाड़ू नारा दिलवाने वाला यह आड़ू वजीर आजम अब चीनी पर सब्सिडी देकर इनके एहसानों के कर्ज चुका रहा है। पर असली कर्ज तो पाकिस्तानी जनता मस्जिद के बाहर बने रहम ठिकाना पर बैठकर चुका रही है। इस जनता को आज तक नहीं पता कि उनकी जुल्फों के तेल के लिए सऊदी अरब और चीन से जो 6 अरब डॉलर आया था वह किस ठिकाने पर गया। वैसे कहने वाले तो यही कहते हैं कि उन 6 अरब डॉलर से अरब की खाड़ी में इमरान खान तेल खोज रहा है, पर तेल मिल नहीं रहा है। पता चला है कि पाकिस्तान जितना जमीन के नीचे जाता है तेल उससे दुगना नीचे पहुंच जाता है। मतलब तेलम पेल बदस्तूर जारी है, तेल का ठिकाना नहीं मिल पाया है। इमरान को भरोसा था कि यदि अरब की खाड़ी से तेल मिल गया तो पाकिस्तान में तहमद की मांग घटकर शून्य स्तर पर आ जाएगी, पर लगता है यह मदरसा छाप मुल्क छलनीदार तहमदों के लायक ही है। मगर इस मुल्क में एक आदमी अभी ऐसा भी है जो कोट पैंट पहनकर ही घूम रहा है। इसका नाम है शाह महमूद कुरैशी, यानी इमरान खान के नया पाकिस्तान का पुराना विदेश मंत्री। सुनने में आया है कि इमरान खान पुराने को नया करने का फिर से प्रयोग कर रहे हैं। यह विदेश मंत्री बकलोली ज्यादा करता है और काम कम, मतलब ये जनाब इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहा है। इमरान खान को लगता है जिस तरह पाकिस्तानी जनता रहम ठिकानों पर बैठकर सीटियां बजा रही है, इन जनाब की सीट कहीं कुरैशी ना संभाल लें। वैसे कुरैशी जिस अंदाज में बकलोली करते हैं उसे सुनकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान के अगले वजीर आजम वही बनेंगे। शायद इमरान खान को एहसास हो चुका है और ये महाराज फिर से नया मंत्री का नया नारा क्रिएट कर सकते हैं। पर नया काम तो पाकिस्तान के वे आतंकवादी कर रहे हैं जिन्हें भारत के लिए तैयार किया गया था। अब हर हफ्ते ये आतंकवादी पाकिस्तान में बम फोड़ पाकिस्तान खेल रहे हैं। कभी यही प्रतियोगिता पाकिस्तानी दहशतगर्द भारत, ईरान और अफगानिस्तान में खेला करते थे, लेकिन महंगाई की मार इन्हें भी ले डूबी। इमरान ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सब्सिडी हटाकर इनकी भी कमर तोड़ दी है। मतलब अब इनके पास किराए भाड़े के लिए पैसा नहीं बचा है। अब यह अपनी प्रतियोगिता का शुभांत पाकिस्तान में ही करेंगे। पंजाब के सादिकाबाद के बैंक पर हुए विस्फोट से यह बात साबित होती है कि इनके पास पैसे की भारी किल्लत है। यानी इन आतंकवादियों ने बैंक पर धमाका करके इमरान खान को पैसे की कमी का संदेश भेज दिया है। पर संदेश तो गिड़गिड़ाते पाकिस्तान ने भारत को भी भेजा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल कह रहे हैं कि भारत हमसे बातचीत नहीं करना चाहता है। अब इस निकम्मे मुल्क को कौन समझाए कि भारत इस कंगले मुल्क की तरह खाली नहीं बैठा है कि इसके साथ बैठकर बातचीत करे। मतलब यह भारत में अपने कुकुरमुत्तों से बम फुड़वाए और फिर बातचीत का उल्हा ना दे।
पाकिस्तान को फिलहाल अपने तबेले की रखवाली करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस तबेले में चीनी घुसकर उसकी भैंसों का दूध पी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो भारत से बातचीत के चक्कर में ना भैंसे बचे और ना उसका तबेला पाकिस्तान। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।